हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कवर करेंगे, जिससे क्वेश्चन आता है। तो वो इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, अवध में पीजेंट्स के लिए स्वराज का मतलब क्या था, और वहाँ पर जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसमें कौन कौन पार्ट लिया, उन लोगों का डिमांड क्या था। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। रिबेलियन इन द कंट्री साइड, यानी कि कंट्री साइड में जो रिवॉल्यूशन था वो कैसा हुआ था। तो अवध के पीजेंट्स का मैं आज टॉपिक बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में दूसरे जगह का बताऊँगी। तो इससे क्वेश्चन बनता है। इन अवध पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र, अ सन्यासी हु हैड अर्लियर बीन टू फिजी एज एन इंडेंचर्ड लेबरर। तो इसका मतलब क्या है कि अवध में जो पीजेंट थे वो पीजेंट को डायरेक्ट कौन कर रहा था, मतलब किसके अंडर वो काम कर रहे थे, वो कर रहे थे बाबा रामचंद्र के। तो अवध में जो थे मेन, वो थे बाबा रामचंद्र और एक जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो बाबा रामचंद्र जो थे वो एक सन्यासी थे। ठीक है, जो पहले एक इंडेंचर्ड लेबरर रह चुके थे। इंडेंचर यानी कि वो लेबर जिसको फोर्सफुली साइन करवाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में और काम करवाया जाता है। तो वैसा वो कर चुके थे, इसलिए वो यहाँ के जो पीजेंट थे उनका सपोर्ट कर रहे थे। तो फिजी में उनके साथ ऐसा हुआ था, द मूवमेंट हेयर वॉज अगेंस्ट द लुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स। तो यहाँ पर जो मूवमेंट था वो लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ था। ठीक है, जो पीजेंट थे वो क्या डिमांड कर रहे थे, वो डिमांड कर रहे थे जो पीजेंट लोगों से एक्स्ट्रा रेंट दिया जाता था लैंड का, तो उसके खिलाफ थे वो लोग। ठीक है, और लैंड के साथ साथ अदर सेजेस भी था। यहाँ पर लिखा है पीजेंट हैड टू डू है, वो हैड टू डू बेगार एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स विद फार्म विदाउट पेमेंट। तो वहाँ पर क्या होता था, जो छोटे छोटे फार्मर्स होते थे, पीजेंट होते थे, वो लोग लैंडलॉर्ड से लैंड लेते थे रेंट पे। तो रेंट पे लेने के लिए उन लोग से वो एकदम एक्स्ट्रा चार्जेस वो लोग मांगते थे। ठीक है, एकदम एक्स्ट्रा, बहुत ज़्यादा एक्सऑर्बिटेंटली हाई रेंट्स वो लोग लेते थे, और साथ में सेसेस भी लेते थे। सेसेस का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा टैक्स होता है वो भी लेते थे। तो इसका वो लोग डिमांड कर रहे थे कि ये सब हट जाना चाहिए। द पीजेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रिवेन्यू, तो रिवेन्यू जो वो लोग ले रहे हैं रेंट वो कम हो जाए। ठीक है, बेगार का एबोलिशन हो जाए, यानी कि बेगार हट जाए, बेगार यानी कि जो फ्री में काम करवाते हैं फोर्सफुली वो हट जाए, और जो लैंडलॉर्ड्स है उनका बॉयकॉट कर दें, यानी कि वो लोग का मतलब उनसे लेना छोड़ दें लैंड। ठीक है, उनको एक लैंड मिल जाए। ठीक है, और ताकि उन लोग को लैंडलॉर्ड से लेना ना पड़े। तो ये उनका क्या था, डिमांड था। तो क्या हुआ, इन जून 1920 के जून में जवाहरलाल नेहरू क्या थे, वो चालू किए वहाँ विलेज में घूमना। ठीक है, विलेज में घूमना वो चालू किए। इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू बिगेन गोइंग अराउंड द विलेज इन अवध टेकिंग टू द विलेजेस। ठीक है, टेकिंग नहीं, वो आस्किंग है, आस्किंग टू द विलेजर्स, यानी कि उनसे बात करने के लिए, टॉकिंग टू द विलेजर्स होगा वो, उनसे बात करने के लिए वो क्या किए, इधर उधर जाने लगे और उनका जो भी दुख है, उनका जो भी प्रॉब्लम है वो उनसे डिस्कस करने के लिए जवाहरलाल नेहरू निकले। ठीक है, तो अक्टूबर में फिर उन्होंने क्या किया, अक्टूबर में उन्होंने एक अवध किसान सभा जो था वो बनाया। ठीक है, एक सभा बनाया जिसका नाम था अवध किसान सभा। ठीक है, जिसके हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र और एक कुछ लोग और थे जो हेड कर रहे थे इसको। ठीक है, फिर एक महीने के अंदर इसका जो है 300 ब्रांच बन गया। ठीक है, अलग अलग रीजन में, विलेज के अलग अलग रीजन में इसका 300 ब्रांचेस जो थे वो बन गए। तो जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ कि जो कांग्रेस थी, यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू जो काम कर रहे थे वो कांग्रेस के ही लिए कर रहे थे। तो जो कांग्रेस थी वो चाहती थी कि ये जो पीजेंट का स्ट्रगल है उसको इंटीग्रेट किया जाए, यानी कि उसको बढ़ा के एक वाइडर स्ट्रगल बना दिया जाए। फिर क्या हुआ, जैसे ही मूवमेंट्स स्प्रेड हुआ 1921 के आसपास स्प्रेड हुआ, तो क्या
तो क्या किए, जो जो सत्याग्रही थे या जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कर रहे थे, वो लोग क्या किए, तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के घर घुसकर अटैक कर दिए, बाज़ार में लूट मचा दिए, और क्या किए, ग्रेन होर्ड्स यानी कि जो ग्रेन का स्टॉक होता है वो ले लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ एक वॉयलेंस ही होने लगा, वॉयलेंस की तरह होने लगा। ठीक है, जो कि महात्मा गांधी को पसंद नहीं था। बहुत सारे जगह क्या हुआ कि लोकल लीडर्स टोल्ड पीजेंट दैट, तो जो लोकल लीडर्स थे वहाँ के, जो लीडर थे जो लीड कर रहे थे ये लोग को, मूवमेंट को, वो लोग क्या किए, गांधी जी का नाम लेकर वो लोग बोलने लगे कि गांधी जी ने मना किया है कि अब कोई टैक्स नहीं देगा और सबको अपना अपना लैंड मिल जाएगा, सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लैंड। ठीक है, तो ये गांधी जी का नाम लेकर वो लोग वॉयलेंस करने लगे वहाँ पर। द नेम ऑफ गांधी, महात्मा गांधी वॉज बींग इन्वोक्ड टू सेंक्शन द ऑल द एक्शंस एंड एस्पिरेशंस, यानी कि गांधी जी का नाम लेकर ये सारा चीज़ होने लगा वहाँ पर। ठीक है, कि गांधी जी ने ही ये कहा है कि अब उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, ये मूवमेंट के ज़रिए अब उनको लैंड भी मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा। तो एक तरह से क्या होने लगा था कि गांधी जी का नाम आ रहा था और वॉयलेंस हो रहा था, तो मेन प्रॉब्लम यही था गांधी जी का कि वॉयलेंस नहीं होना चाहिए। तो ये था अवध का स्टोरी, जो अवध में कैसे हुआ और कौन कौन पार्टिसिपेट किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय गाइस। ये पिक है बाबा रामचंद्र की, जो मैं दिखाना भूल गई थी, ये बाबा रामचंद्र की पिक है, और ये महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू डिस्कस करते हुए। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है जो याद रखना है जिसके नाम। तो आई होप आपको समझ में आएगा, आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।